सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम के बारे में। वो देखिए, मध्य प्रदेश पीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है कि ये एग्जाम जो कि 25 सितंबर को होने वाला था, इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है और ये एग्जाम की जो अगली डेट है जल्द ही नोटिफिकेशन देकर दिया जाएगा। देखिए, इस एग्जाम के पोस्टपोन होने की जो वजहें हैं उसमें कई सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि 25 सितंबर को ही आयुष के एग्जाम होने वाले थे। अब देखा जाए दो एग्जाम साथ में कंडक्ट कराया सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि दोनों बिल्कुल अलग स्ट्रीम के होने चाहिए। जैसे अभी पिछली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और डेंटल सर्जन के एग्जाम साथ में हुए थे। यदि किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा है तो डेंटल सर्जन का एग्जाम तो देगा नहीं, यदि किसी ने बीडीएस कर रखा है तो इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं देगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए केस सपोज करिए किसी ने बीएमएस कर रखा है, आयुर्वेद से किसी ने बीएमएस कर रखा है और उसने मास्टर्स कर रखा है, तो उस कंडीशन में वो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यूनानी में जिसने पीजी कर रखा है या होम्योपैथी में जिसने पीजी कर रखा है तो वो यहां पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उस कंडीशन में एमपीपीएससी के इस मैकेनिज्म के कारण वो लोग इससे सीधे बाहर हो रहे थे, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि शायद एग्जाम को पोस्टपोन किया होगा। बिकॉज इस समय एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई सॉलिड वजह नहीं है, कोई इलेक्शन होने वाला हो या कोई ऐसा बहुत बड़ा काम हो रहा हो, समथिंग लाइक दैट। तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और इसी कारण एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो ये एग्जाम जो पोस्टपोन किया गया बहुत ज्यादा दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं रहेगा, मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इससे ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ठंडे बस्ते में नहीं जाना है कि चलो ठीक है एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो हम बढ़िया आराम से बैठ जाते हैं और उसके बाद पढ़ाई नहीं करते। तो आपको पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करना होगा। आप ये मान के चलिए कि आपको ग्रेस पीरियड मिल गया है, तो जो पोर्शन आपके तैयार नहीं हुए थे उस पोर्शन को वापस से तैयार करने का एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है, तो यहाँ पर उसको अदरवाइज आपको नहीं लेना है। 15-20 दिन, 25 दिन से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और वैसे भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, टाइम बहुत कम था, क्योंकि काफ़ी एम्बिशियस प्लान था एमपीपीएससी का कि 2 महीने में एग्जाम करा देंगे, लेकिन बाद में एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम करा देंगे 15-20 दिन या 25 दिन बाद, तो आपको प्रयास करना है कि अपने एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो इसके अलावा हमारे बैचेस भी चल रहे थे स्टेट रजिस्ट्रार के लिए, जो कि 1 अगस्त से हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिससे कि सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया सके। अब तक तो लगभग उसकी 4 यूनिट कंप्लीट होने को हैं पार्ट बी के लिए। पार्ट बी पोर्शन के लिए लॉन्च किया था बिकॉज पार्ट ए तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने तैयारी कर रखा होता है। जिन्होंने भी एमपीपीएससी की तैयारी की होगी उन्होंने ऑलरेडी पार्ट ए का पोर्शन तैयार कर रखा होगा। हालांकि पार्ट ए का भी रिविजन क्लासेस हम लोग लेंगे, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं, अभी पार्ट बी के फोकस किया गया है। तो 1 अगस्त से जो इस लॉन्च बैच को लॉन्च किया गया, इसकी फीस रखी गई थी 4,999 रुपये। तो जो लोग ज्वाइन इसको करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं अगले 2 दिन के लिए, मतलब 24 को, 25 को और 26 को। ये 26 तक आपकी जो फीस रहेगी यहाँ पे 500 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट रखा गया है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो हमने 1 अगस्त से लॉन्च किया है, तो पुरानी जो क्लासेस हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे और जो नई क्लासेस हैं उसके लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमारी क्लास में क्लास का जो PDF है डिस्कशन का वो शेयर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नोट्स है शेयर किया आता है, फिर बाद में कंपाइल्ड फॉर्म में भी शेयर किया आता है। इसके अलावा जो क्लासेस होती हैं, यूनिट्स होते हैं, यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसका MCQ प्रैक्टिस, अपार्ट फ्रॉम दैट जब पूरा यूनिट सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तो ये बेसिकली एज आप नो हमारे इस बैच को उसका पैटर्न है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्कशन को इसे वाइंड अप करते हैं। जो फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8826033084, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप राम सोनी MBPSC नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच कोर्स, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक मैसेज करना है आई वांट टू ज्वाइन असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैच कोर्स, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कैसे आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है। ऑलराइट, तो डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग, फिर पढ़ाई करते रहिए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, थोड़ी बैलेंसिंग एक्ट बना के पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एक पढ़े जा रहे हैं, पार्ट बी बस के पढ़े जा रहे हैं, पार्ट ए भी आपको तैयार करते रहना है, उसको भी धीरे धीरे रिवाइज करना है। तो दोनों पोजीशन प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के रखिए, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्शन आने वाले कल में। हालांकि ये भी सुनने के लिए आ रहा है कि शायद वैकेंसीज में थोड़ा सा रेज हो, कुछ वैकेंसी शायद बढ़ जाए, यदि बढ़ती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। एनीवे, डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर, तब तक बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच, थैंक यू।